महान दल के अध्यक्ष केशव देव मौर्य जी हमारे साथ हैं, आइए उनसे बात करते हैं। सर, अभी तक आप सपा की साइकिल पर सवार थे, अचानक क्या हो गया, अचानक कैसे अलगाव हो गया? नहीं, मैं सपा की साइकिल पर कभी नहीं था। मैं महान दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, हमारा समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन था, और मैं गठबंधन इसलिए मैंने किया था कि मैं भारतीय जनता पार्टी को हर हालत में रोकना चाहता था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार दलित पिछड़े अल्पसंख्यकों के विरोध में काम करती है। इसलिए उस समय विकल्प के रूप में समाजवादी पार्टी थी जो भाजपा को रोक सकती थी, इसलिए गठबंधन था। लेकिन गठबंधन में जिस प्रकार मेरे साथ व्यवहार हुआ चुनाव के दौरान से लेके अब तक, मैं इसलिए चुप था कि मैं चाहता था किसी भी सूरत में सरकार बन जाए और आगे भी समाजवादी पार्टी लोकसभा में बेहतर करे, इसलिए साथ था। लेकिन लगातार उपेक्षा कब तक कोई बर्दाश्त करे? सर, उपेक्षा कैसे कहेंगे, आपके दो प्रत्याशी खड़े हुए, सपा के सिंबल पर चुनाव लड़ा, तो यानी कि आप उनके साथ थे, सपा के सिंबल के साथ थे, अचानक क्या हुआ? ऐसा है कि मैंने 8 सीट मांगी थी और 8 सीट पे ये गठबंधन हुआ था, लेकिन अंत में हमें 2 सीट दी गई और जो सीट मैं चाहता था वो सीट मिली भी नहीं। लेकिन मैं चूंकि ये चाहता था समाजवादी पार्टी की सरकार बने, इस समय उस समय बोलना उचित नहीं समझा, क्योंकि अगर उस समय बोलता तो मीडिया में खबरें जाती हैं और उससे समाजवादी पार्टी को नुकसान पहुंचता, और भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत पार्टी थी और उसकी स्ट्रेटजी मजबूत थी, तो मैं चाहता था कि मैं कहीं असहज ना करूं। हाँ, मैंने अखिलेश यादव जी से चुनाव गठबंधन से पहले मैंने कहा था कि जब आप सरकार बना लेंगे तो मैं मांगूंगा, जब सरकार आप जब तक नहीं बना रहे हैं जैसा आप चाहें मेरे साथ कर सकते हैं, अच्छी बुरी सीट जो भी देना चाहें आप देंगे, मैं बोलूंगा नहीं, क्योंकि मैं हर हालत में सरकार चाहता हूं। तो मैं उस समय नहीं बोला, सबको बोलने आता है क्या, सीट मांगने का तरीका सबको आता है क्या, मुझे नहीं आता, मुझे भी आता, मुझे भी उस समय जब चुनाव पीक पे था और मेरी एक नाराज़गी समाचार बन जाती और समाजवादी पार्टी को असहज कर सकती थी, मुझे भी मजबूरी में सीट देते, जैसे कृष्णा पटेल जी ने ले लिया, जैसे ओम प्रकाश राजभर जी ने ले लिया, जयंत जी प्रियंका गांधी के साथ हवाई जहाज में घूम के ले लिए, तो हमें भी वो सब आता। लेकिन मैंने इसलिए एक शब्द नहीं बोला, मेरे पास धर्मेंद्र प्रधान जी गए थे, मैं उसे न्यूज़ बना देता। सर, एक बहुत बड़ी चर्चा है कि आपको MLC की सीट नहीं मिली, इसलिए आप नाराज़ हो गए हैं, गठबंधन से अलग हो रहे हैं, क्या प्रमाण है इसका? नहीं, बिल्कुल ठीक है, एकदम सही खबर है, जो दिल में है वही मेरे जुबान पे होता है। मैं ज़्यादा बनावटी ज़िंदगी नहीं जीता, मैं साफ़ सुथरी ज़िंदगी। मैंने अखिलेश यादव जी से कहा था कि जब सरकार बनेगी तो मैं आपसे मांगूंगा, उसके पहले आप जैसे चाहें वैसे मेरे साथ व्यवहार कर सकते हैं। तब तक मैं नहीं बोला, कहीं असहज नहीं किया, लेकिन सरकार नहीं बनी, सरकार बनी होती तो मैं मंत्री पद मांगता। सरकार जब नहीं बनी तो आप जब देने लायक नहीं है मंत्री, तो मैं मंत्री पद तो नहीं मांग रहा हूँ ना, लेकिन आप जब दूसरों को राज्यसभा दे सकते हैं, जो सीट भी ज़्यादा लिए, वोट भी कम दिए, उनकी थोड़ी जगह पे उनके 10-12 जिले में उनका संगठन है, मेरा जिले पूरे उत्तर प्रदेश में साक्य सैनी कुशवाहा मौर्य भरा पड़ा, तो जहाँ जहाँ मैंने प्रयास किया वोट मिला कम ज़्यादा, लेकिन आप उन्हें जिन्हों ज़्यादा सीट देंगे उन्हें आप राज्यसभा भी भेज देंगे और हमें आप जो है कुछ नहीं देंगे, और एक स्वामी प्रसाद मौर्य जी आएंगे जो अपने समाज से कोई मतलब, बसपा में थे तब भी समाज साथ अन्याय होता तो नहीं बोलते थे, भाजपा में थे तब भी कठपुतली बने थे, अयोध्या में खुदाई के दौरान भगवान बुद्ध की मूर्तियां मिली तब एक शब्द नहीं बोल पाए, ये जो लोग एक शब्द ना बोलते हैं ऐसे ही नेता सबको चाहिए कठपुतली, अखिलेश जी को भी ऐसे चाहिए, मेरी ज़रूरत नहीं है, तो जब नहीं ज़रूरत है तो मैं कब तक उनके साथ रह सकता हूँ? सम्मान और हक अधिकार दोनों के लिए मैं राजनीति कर रहा हूँ। सर, अखिलेश जी से बात करने का प्रयास नहीं किया आपने, आपने भी एक आरोप लगाया था चाटुकारों से घिरे हुए हैं, क्या है ये मामला? देखिए, ये तो सच है कि अखिलेश जी जमीनी कार्यकर्ताओं से बहुत दूर हैं और उनके फैसले, उनके कार्यालय के फैसले बड़े अजीब अजीब होते हैं। चुनाव के दौरान मुझे फ़ोन आया कि कल आपकी रैली है, कल आपकी रैली है हेलीकॉप्टर से, आप तैयार रहिएगा। सबको पता है कि मैं रहता हूँ लखनऊ में, उस समय लखनऊ रहता था, तो रैली के लिए जब मुझसे कहा जा रहा था या तो मुझे बता दो कि मुझे बनारस पहुँचना, सुबह मुझसे 10 बजे 11 बजे पहुँचने कहा गया, मैं तैयार हुआ, 9 बजे मैंने फ़ोन किया, उन्होंने कहा बनारस पहुँचना है, मैंने कहा 9 बज रहा है मैं बनारस कैसे पहुँच सकता हूँ, मुझे पहले से बता। तो इस तरह के फैसले हैं, और समाजवादी पार्टी कार्यालय में अखिलेश यादव के इर्द गिर्द कोई जनाधार का नेता नहीं है, चाटुकार हैं जो जिनके पास 2 वोट नहीं है। अब अलग हो रहे हैं सपा से, आप गठबंधन से? जी, गठबंधन से अलग हो रहे हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी गठबंधन से मैं अलग तो होना नहीं चाहता था,
लेकिन समाजवादी पार्टी में जब मेरे लिए जगह है ही नहीं तो मैं अकेले एक हाथ से ताली कब तक बजाऊंगा? अगर उनको ज़रूरत होगी मेरी तो मैं विचार करूंगा, अगर ज़रूरत नहीं है तो गठबंधन से अलग ही मानिए मुझे। उन्होंने अपनी ओर से गठबंधन से अलग अगर नहीं किया होता तो मुझे कहीं ना कहीं तो बुलाते, चुनाव के बाद मुझे नहीं बुलाए। एक आपको बात बताऊँ कि 6 अप्रैल को मैं मिलने गया अखिलेश यादव जी से, उनसे सीट की बात हुई कि आप कौन से लोकसभा सीट लड़ेंगे। मैंने कहा कि मैं स्वयं लड़ूंगा फरुखाबाद सदर, क्योंकि मेरी पत्नी लड़ी है, थोड़े वोट से आ रही है, वो तैयार हो गई है लोकसभा। हालांकि मैंने एटा मांगी थी लेकिन उन्होंने फरुखाबाद मुझे दे दी। फरुखाबाद हाँ कहने के बाद 6 तारीख को मैं वहाँ से वापस आया। 8 तारीख को अखिलेश यादव जी ने वहाँ प्रभारी घोषित कर दिया मेरे ही समाज के एक व्यक्ति को। ये क्या कहना चाहते हैं? पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं भी उन्होंने प्रभारी घोषित नहीं किया। जिन लोकसभा सीटों पर चुनाव हो रहा, आजमगढ़ और रामपुर में उपचुनाव, उस पर भी प्रभारी घोषित नहीं किया। केवल फरुखाबाद जिस पर मैं लड़ना चाहता था उस पर इसलिए घोषित कर दिया मेरे ही समाज व्यक्ति को कि जब केशवदेव मौर्य जाएंगे लड़ने तो एक इन्हीं का समाज का एक हिस्सा जिसको प्रभारी बनाया हो तो अपने आप को प्रत्याशी मान लेगा ना, तो तैयारी करेगा। तो वो जब टिकट हमें मिल जाएगा तो वो नाराज़ हो जाएगा, झंडा बुलंद करेगा विरोध का, हम हार जाएंगे। हम आपको जिताने के लिए प्रयास करें, आप हमें हराने की साजिश करें, तो ये बहुत दिन नहीं चल सकता। थोड़े शुक्रिया। तो ये महान दल के अध्यक्ष हैं केशवदेव मौर्य, जिन्होंने साफ कहा कि सपा ने मेरी उपेक्षा की है, उनको मेरी जरूरत नहीं है, तो मैं भी अब उनके साथ नहीं रहूँगा। कैमरामैन गीतम के साथ शुभ चतुर्वेदी, भारत समाचार, आगरा।